हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिजिक्स फैक्ट बाय विशेष सेट के चैनल में। मैं हूं अविनाश। मैं जैसा कि संस्कृत को एक क्रम से डाल रहा हूं, उस क्रम में मैंने आज संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसे धातु रूप कहते हैं। क्योंकि ये काफी लोगों को समस्या थी कि सर धातु रूप नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका वीडियो आप डालिए और विथ ट्रिक के साथ डालिए। तो मैं धातु रूप का वीडियो विथ ट्रिक के साथ लाया हूं और इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को एक बार आप देख लेते हैं तो गारंटी मेरी है कि आप फिर उसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट का आप उठाते हैं धातु रूप तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रिक जो है किसी बुक की नहीं है या किसी YouTube चैनल की नहीं है, ये ट्रिक मेरी खुद की है, मैंने बनाई है। तो इसलिए आप पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा और साथ में देखते रहिएगा। और चूंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, कोड वर्ड है, जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कैसे किस रूप है, किस वचन में है, किस काल में है, तो इस तरीके से मैं पहचान करा दूंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धातु क्या होता है। मैं थोड़ी सी बेसिक चीज आपको बता दे रहा हूं कि आप जानते रहिएगा। तो क्रिया जो होती है, यानी क्रिया क्या होती है, यानी कर्ता द्वारा किसी कार्य का होना या वहां पे पाया जाना जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया जिस मूल शब्द से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन वो किससे मिलकर बना है, किस धातु से, पट धातु। तो हमेशा जो क्रियाएं होती है, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, सारी क्या है, क्रियाएं हैं, वो सब किसी न किसी धातु से मिलकर बनी होती है। यदि उन्हीं धातु का हम अलग अलग, यानी जैसे वर्तमान काल में, भूत काल में, भविष्य काल में, सब में अगर उनको अलग अलग कर दें तो उसी को हम नाम देते हैं धातु रूप। साथ में इसको हम लोग ये कहते हैं, जैसे आपकी जो प्रत्यय मैं पढ़ा रहा था, तो प्रत्यय की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप प्रत्यय को अगर नहीं देखे होंगे तो वो भी मैंने ट्रिक के साथ डाला है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, त्रिंग प्रत्यय से मिलकर बना है। जैसे मैंने बताया था कि प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं, और जब मैं प्रत्यय पढ़ा रहा था तो आपको सिर्फ तीन प्रत्यय का नाम बताए थे और तीन प्रत्यय ही करवाए थे, जिसमें क्या होता है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और इत्स्री प्रत्यय। यहाँ पे जो धातु रूप में यूज होता है इसको बोलते त्रिंग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। चलिए, यानी त्रिंग प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलते त्रिदंत। क्या नाम देते हैं, त्रिदंत के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, मैं सीधा अपने ट्रिक पे आता हूं जहां पे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। जान लेते हैं कि आपके जब पूछा जाता है लकार कितने होते हैं, लकार कितने होते हैं, तो लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, 5 होते हैं। इन्हीं पांचों का हम लोग डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लिट लकार मतलब भविष्य काल, लोट लकार मतलब आपका आज्ञा सूचक के शब्द में अर्थ में आता है ये, लंग लकार मतलब इसको भूतकाल कहते हैं, और विधि लिंग लकार जो होता है ये चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यानी आपके पांच लकार है, सबका मैंने नाम बता दिया, लट लकार वर्तमान, लिट क्या हो जाएगा भविष्य, लोट क्या हो जाएगा आज्ञा में प्रयुक्त किया जाता है, लंग लकार जो होता है वो आपका क्या होता है भूतकाल में, और विधि लिंग लकार जो होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं, जो मेरे पास सूत्र है उस सूत्र पे आते हैं। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, यहां पे अब साइड में हम एक एक करके लिखेंगे उसको। सबसे पहले देखते हैं लट लकार क्या है। लट लकार, लट लकार का एक बार फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, उसे आप लिखिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा, आपको गारंटी बता रहा हूं वो याद हो जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा प्रथम, प्रथम पुरुष, और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। आपके तीन पुरुष हो जाएंगे, और तीन पुरुष होते हैं, और एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, तीन वचन, कितने पुरुष, तीन पुरुष। तो प्रथम पुरुष यानी आपके पुरुषों की संख्या देख ले तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, और वचन देख ले तो वचन क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इनको एक क्रम से बिठा लेते हैं क्योंकि हम लोग को धातु रूप में इनका जरूरत पड़ेगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और जान लीजिएगा,
आपके जो धातु होते हैं वो परस्मै पद के होते हैं और आत्मनेय पद के होते हैं। परस्मै पद क्या होता है? जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ता है उसे परस्मै पद के नाम से जानते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, उसे हम बोलते हैं परस्मै पद बोलते हैं। और जिसमें कर्ता का प्रभाव, अरे क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पड़ता है उसको बोलते हैं आत्मनेय पद बोला जाता है। ये दो प्रकार के आपके पद होते हैं। अब मैं आता हूं टॉपिक पे जहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनको मैं मिटा दे रहा हूं। इसी जगह पे मैं सारे लकार को आपको लिखूंगा। सबसे पहले लट लकार देख लेते हैं। तो लट लकार में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष और ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, ठीक। और इधर एक वचन, द्विवचन और हो जाएगा ये बहुवचन। इसका सूत्र क्या है? एक बार सूत्र मैं लिख रहा हूं, साथ में आप भी कॉपी पेन लेके बैठेगा और लिखिएगा। इसको बोलते हैं ती त, क्या हो जाएगा? अंति। ती त अंति, फिर सी थ थ, उसके बाद हो जाएगा आमी आओ आम। इसमें आपको एक, मैं जो अलग से एडिशनल ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं, आप इसको ऐसे ब्लॉक बना लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके विसर्ग है किन में लगेगा। तो आपके क्या होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के द्विवचन में सब में विसर्ग लगेगा और साथ में उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी विसर्ग लगेगा। इसको आप जरूर बनाएगा क्योंकि विसर्ग हटा के भी, विसर्ग हटाने के बाद अलग हो जाता है, विसर्ग के साथ अलग। जैसे यहां देखिए, जब आपका विसर्ग रहेगा, ठीक है, विसर्ग रहेगा तो उसको लट लकार कहेंगे और जब विसर्ग नहीं होगा तो उसमें लोट लकार हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी मैं लोट लकार को बताऊंगा तो आपको ये याद रखना कि अगर विसर्ग इनके साथ लगा है तब आपका कौन सा होगा? लट लकार होगा, और विसर्ग नहीं लगा होगा तो उस समय लोट लकार हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एक मैं फार्मूला यहां बना दूं, जैसे यहां पे अब लिख सकता हूं, चलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसी के नीचे क्या हो जाएगा? ती का मतलब अगर मैं भू धातु को देखूं, भू का मतलब होना, होना होता है, तो इसको हम बना सकते हैं, इससे बनाइए हो जाएगा भवती, फिर दूसरे का भवत, फिर भवंती, ठीक, तैयार, फिर भवसी, भवत, भवत, फिर भवामी, भवाव, भवाम, देख रहे हैं? सब में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। और इसमें कोई भी हलंत नहीं होता, विसर्ग होते हैं परंतु हलंत नहीं होता, ठीक। ये आपको मुझे लग रहा है यहां से है। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए ती त अंति, फिर से ती त अंति, सी थ थ, एक थ में विसर्ग, एक थ में विसर्ग नहीं, ती त अंति, सी थ थ, उसके बाद आमी आव आम, तैयार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं, अब इसको हटा देते हैं और इसके साथ अभी रुकी रही है, आपको अच्छी अच्छी यहां पे दिखेगा। अभी तो मान लीजिए इसको आप जनरली तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन विधि लिंग लकार रोट लकार के इसी सूत्र पे बताऊंगा और अच्छा ट्रिक वहां पे मिल जाएगा, आपको पहचान करने आ जाएगा जरूर। एक बात है, चलिए अब यहां फिर इसको मिटाते हैं। फिर क्या हो जाएगा? अब लीट लकार का देखते हैं। लीट लकार में होता क्या है, यानी लीट लकार मतलब ये, लिट लकार मतलब भविष्यत काल। इसको लिखते हैं आपके भविष्यत काल में जो होगा तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इष्यति, बस इसमें इष्यति मतलब छोटी की मात्रा आ जाएगी, इष्यति, इष्यत, सॉरी इष्यति, इष्यत, फिर इष्यन्ति, फिर इष्यसि, इष्यत, थ इष्यत, फिर इष्यामि,
इश्याव और हो जाएगा इश्याम। फिर देखिए इसको आप फिर ही कर सकते हैं राउंड, यानी आपका जो लट लकार होता है और लीट लकार का लगभग रूप एक जैसे चलता है। देख सकते हैं ती त अंति सी थ थ अरे ये हो जाएगा आमी होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा इश्यामी है क्योंकि ई सबके आगे लगा रहेगा। अभी मैं एग्जांपल इसका लूंगा तो आपको समझेगा, जैसे इश्यामी इश्याव इश्याम। जैसे यहां पे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यहां से मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके लिए फिर यहां पे बेनिफिट साबित हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं भविष्यति, फिर क्या हो जाएगा भविष्यत, फिर यहां पे मैं मध्यम पुरुष मिटा देता हूं, फिर हो जाएगा भविष्यन्ति, फिर भविष्यसि। पूरा बैठ के अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तब आपके लिए परेशानी ज्यादा बनेगी। भविष्यत, फिर हो जाएगा क्या भविष्यत, ठीक, फिर भविष्यामि भविष्याव और भविष्याम। फिर देख लीजिए इसको ऐसे राउंड कर सकते हैं, सब में क्या होगा सब में आपका विसर्ग रहेगा, लेकिन हलंत ना तो इसमें रहता है ना तो इसमें रहेगा। ठीक, चलिए अगला, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं ऊपर का भी मिटा दे रहा हूं, हो सकता है आपको यहां से मैं लिखना शुरू करूं तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो चलिए अब आते हैं, ये दोनों एक जैसे मिल गए, यानी लट लकार और आपका लिट लकार एक जैसे मिल गए। अब आते हैं अगले भी जो आता है उसका नाम है लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञा सूचक। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं, इसका जो आप याद करिएगा तू, फिर हो जाएगा तू ताम, क्या हो जाएगा तू ताम, फिर हो जाएगा अंतु, यानी ऐसे कर सकते हैं अंतु, फिर क्या हो जाएगा अ तम त, फिर आनी आव आम। देख रहे हैं एकदम आप तुरंत रिलेट करिए जो मैंने पीछे बात बोली है कि इसमें देखिए विसर्ग आपके नहीं लगे, लेकिन उसमें क्या होता है लट लकार में विसर्ग के साथ आता है और उसमें लट लोट लकार में विसर्ग नहीं आता। इसका देखिए क्या होता है, यानी इसको बनाया जाए तू ताम अंतु अतम त आनियाव आमन। एक आध दो बार लिखेंगे जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, बस यह लिखिए तू ताम अंतु फिर अतम त फिर आनी आव आम। ठीक, इसमें क्या ध्यान आपको रखना है, हलंत, हलंत का ध्यान इसमें रखना है, विसर्ग इसमें एक भी नहीं लगेगा, लेकिन हलंत किसमें लगेंगे उनको ध्यान रखना है। हलंत आपके सिर्फ इसमें दो जगह लगेंगे, इसी तरीके से जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आप राउंड भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में ज्यादा चीज आएगी। इसी दो पे राउंड कर लीजिएगा और इसी दोनों के ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा हलंत लिख देंगे आपका हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इससे बनाइए भवतु भवताम, हो जाएगा भवंतु, फिर हो जाएगा क्या, अब देखिए आपका जो है इसके साथ यानी भू का जो रहा है भव हो जा रहा है, तो यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा भव भवतम हो जाएगा भवत भवानी भवाव और भवाम बन गया आपका। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके दो में बस हलंत लगेंगे बाकी सब जैसे के। ठीक, अब दो खत्म तीन खत्म हो गए, अब इसी के रिस्पेक्ट में एक और देखेंगे जो इसी का लोट लगान के साथ। आप याद करिए आप लंग लगान, लोट और लंग लगान एक जैसे होते हैं। देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आगे का वर्ड जो है लोट लंग लकार में हमेशा आगे का जो वर्ड होता है वो अशुरू होता है, यानी अभवत, यानी क्या हो जाएगा ऐसे कर सकते हैं, यानी अ लिख के बीच में जो भी धातु रहेगा उसके बाद यहां पर लग जाएगा त, फिर क्या हो जाएगा अगला देखेंगे तो फिर हो जाएगा अ, फिर हो जाएगा फिर यहां पर लिखेंगे ताम, फिर अ, फिर हो जाएगा न, क्या हो जाएगा न,
ठीक। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, फिर यहां पे अभव, यहां पे विसर्ग, फिर हो जाएगा, फिर यहां पे क्या लिखेंगे अ, यानी सॉरी ऐसे मत लिखिए, सिर्फ अ लिख के छोड़ दीजिएगा यहां से ऐसे अ, फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा तम, और फिर हो जाएगा अ, फिर तम, फिर हो जाएगा अ, फिर हो जाएगा न, फिर हो जाएगा अ, फिर हो जाएगा वाम, और फिर हो जाएगा अ, फिर वाम, ठीक। यानी आप कुछ इस तरीके का, इसमें आपको बस फिलअप करना है, मैं फिलअप कर रहा हूं, आप देखिए भू धातु को फिलअप करना है तो अ भ, ठीक है, अभवत, अभ, अभवताम, अभवन, फिर हो जाएगा अ भव, फिर हो जाएगा अ भवतम, और हो जाएगा अ भव, फिर हो जाएगा अ भवन, उसके बाद क्या हो जाएगा अब सॉरी अभवम, सॉरी एक चीज मैं यहां से मैं क्लियर कर लू अपना कॉन्सेप्ट यहां से, हाँ अभ यहाँ पे आपका जो रहता है वो म रहता है, ध्यान रखिएगा इसको, गलती यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो जाएगी तब आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा यानी हो जाएगा इस तरीके का, इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर दिया जाए, हाँ फिर ये हो जाएगा वाम है, यानी इसको लिख सकते हैं आम, जैसे हम लिखते थे आव लिखते थे और इसको लिखते थे वाम आम ना, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी अ भवाम, और ये हो जाएगा अभ, यानी ऐसे लिख सकते हैं तो अभवाम, यानी इस तरीके का इसका क्रम बनाएंगे तो आप में एक इसका ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, जिसमें हलंत लगा रहेगा वो आपका एक वचन प्रथमा, यानी प्रथम ये हो जाएगा, यानी प्रथम अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में जिसमें हलंत लगे रहेगा, और जिसमें हलंत नहीं लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका बहुवचन, और क्या हो जाएगा मध्यम पुरुष, याद रखेंगे मध्यम पुरुष और यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन का जो होता है, इन्हीं दोनों का कंफ्यूजन होता है, सिर्फ हलंत का बहुत कंफ्यूजन है, इसमें अगर हलंत लगा है और इसमें हलंत नहीं लगा है, और इसमें टोटल हलंत की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे मैंने पीए से दर्शा दिया है, हलंत कितने पीए मतलब पांच से दर्शाया है, तो पीए का मतलब कितने पांच, एक दो तीन चार, एक है चार है और ये पांच, एक दो तीन चार पांच, आपके पांच आपके इसमें हलंत लग सकते हैं, ठीक। आपका अगर कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए तो बहुत अच्छा बन जाएगा, मेरा विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा। फिर से बताते हैं इसमें अ लगा के फिर जैसे लगाए रहते हैं इसमें भी देख रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है, यहाँ पे बस अ जुड़ जाएगा नहीं तो बाकी भवताम और अभवत, यानी देख रहे भव भवतम है और यहाँ पे क्या भवतम यहाँ पे है, लेकिन इसके आगे क्या लगा जो आपके लंग लगा लेते हैं उसके आगे अ हमेशा जुड़ा होता है। चलिए एक लास्ट बच गया उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। लास्ट वाला क्या है, कौन सा लकार है वो अलग है और सबसे अलग रहता है, लेकिन क्या होता है अगर उसको भी आप तैयार करेंगे तो हो जाएगा। पहले होता है इसका एक एताम, फिर क्या होगा एयू, क्या होता है एत एताम एयू, और फिर क्या हो जाएगा अगला, फिर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा क्या सिर्फ आपके ए, फिर हो जाएगा एतम, और फिर क्या हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा एत, ठीक एत हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहां पे देखेंगे तो हो जाएगा इसको बोलेंगे इसका एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, हाँ हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा एओ, और फिर एम सॉरी एम, और ये हो जाएगा एओ और ए, बस आपको इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है बाकी ठीक। उसके बाद इसमें समस्या क्या है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें देख रहे हैं एक है यानी ये भी आपका हलंत लगा होगा, इसमें हलंत हमेशा याद रखिएगा जो द्वितीय बहुवचन होता है यानी सॉरी मध्यम पुरुष बहुवचन होता है उसमें हलंत नहीं लगे होते, सिर्फ आपके त लगे होते हैं, तो यानी देख सकते हैं यहाँ पे हलंत यहाँ पे आपका होता है और ये यहाँ पे होता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें जो होता है इसमें दो आपके क्या होते दो आपके विसर्ग लगे होते हैं, एक यहाँ विसर्ग लगा होता है और एक यहाँ, तो विसर्ग की संख्या सिर्फ कितनी है दो, ये देखिए
ये आपका विधिलिंग के लिए विसर्गल संख्या दो है और यहाँ पे क्या था उसके लिए एक ही था यानी पास्ट यानी मींस भूतकाल में एक ही था और वो जो था आपका आज्ञा सूचक था उसमें एक भी हलंत एक भी आपके क्या थे विसर्ग नहीं थे। तो यहां से इसको बनाएंगे तो यहां पे देख लीजिए क्या क्या बनेगा इसका, यानी भवेत भवेताम भवेयु, फिर क्या हो जाएगा आप क्या क्या हो जाएगा भवे भवे और इसके साथ विसर्ग, फिर भवेतम और हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे भवेत, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग यहाँ पे हलंत और यहाँ पे हलंत नहीं, हलंत कितने लगेंगे इसमें हलंत आपके चार है तो एक दो दो मिल गया तीन मिल गया और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे हो जाएगा भवेम भवेम हो गए यहाँ पे विसर्ग और हो जाएगा क्या हो जाएगा भवे और यहां पर लिख देंगे भवे है भवे हो जाएगा फिर हो जाएगा भवे ठीक, यानी आप देख सकते हैं भवेयम हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा ठीक। ये आपका इसमें क्रम बन गया यानी एक दो दो तीन चार, चार में क्या लगे विसर्ग चार में आपके लगे तो इस तरीके इसको भी बना लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। इस तरीके का अगर आप कॉन्सेप्ट रखते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।